को पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट हम लोग को पढ़ना है कैपिचुलम। क्या? कैपिचुलम, क्या कहते हैं इसको, हेड या कैपिचुलम या एंथोडियम। पहली चीज कि इस तरीके का जो इनफ्लोरेसेंस है ये सबसे मोस्ट एडवांस्ड इनफ्लोरेसेंस, सबसे एडवांस इन्फ्लोरेसेंस होता है, एंड इट इज द फीचर ऑफ कंपोजिटी फैमिली। किसमें? कंपोजिटी, कंपोजिटी का नया नाम एस्टरेसी। ठीक, इसको एंथोडियम भी कहते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिए। इसमें होता है ब्रैक्ट मॉडिफाइड इनटू कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इनवॉल्यूकर, पेडंकिल फ्लैट कॉल्ड एज रिसेप्टेकल। पेडंकिल फ्लैट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल। आप समझते हैं, इसमें दो तरीके के फ्लोरेट पाए जाते हैं, दो तरीके के फ्लावर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे जैसे पेडंकिल, हमने कहा पेडंकिल कैसा है, फ्लैट। पेडंकिल कैसा है, फ्लैट है। ब्रैक्ट इज मॉडिफाइड इनटू कप लाइक स्ट्रक्चर। ब्रैक्ट किस में मॉडिफाई हो जाता है, कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं इनवॉल्यूकर। ठीक, दो तरीके के फ्लोरेट जो पेरीफेरी पे होते हैं, पेरीफेरी पे जो होते हैं, जो पेरीफेरी पे जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं रे फ्लोरेट। क्या कहते हैं इनको, हम रे फ्लोरेट कहते हैं। प्लीज बी अटेंटिव और समझिए पहले, बहुत रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ समझ आएगा। पेरीफेरी पे क्या बना दिया हमने, रे फ्लोरेट। जो बीच में है उसको कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। तो पहले हम नाम लिख दें, ये रिसेप्टेकल हो गया। रिसेप्टेकल क्या है, फ्लैटेंड पेडंकिल को रिसेप्टेकल कहेंगे। ये इनवॉल्यूकर है, मॉडिफाइड ब्रैक्ट। पेरीफेरी पे रे फ्लोरेट और बीच में डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट डिस्क फ्लोरेट। ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलिए देखिए, पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि ये जो होते हैं, जो हेड या कैपिचुलम होता है, ये दो तरीके का हो सकता है। एक हेटरोगैमस हेड और एक होमोगैमस हेड। हेटरोगैमस हेड और एक होमोगैमस हेड। हेटरोगैमस हेड का मतलब होता है टू टाइप्स ऑफ फ्लोरेट्स
दोनों तरीके के फ्लो रेट हो, दैट इज रे एंड डिस्क, दोनों तरीके के फ्लो रेट हो, तो ऐसे हेड को हम हेट्रोगैमस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेलियंथस सनफ्लावर, हेलियंथस मतलब सनफ्लावर, सनफ्लावर में इसी तरीके का पाया जाता है दोनों तरीके के। होमोगैमस, होमोगैमस में इधर या तो रे फ्लोरेट हो, इधर रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट, एक ही फ्लोरेट हो। अगर केवल रे फ्लोरेट कहां पाया जाता है, इसका एग्जांपल है टैजेट्स, मैरीगोल्ड गेंदा, और इसका एग्जांपल है वर्नोनिया, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ आ रही है, इतनी बात सबको समझ आनी चाहिए, इसको आपको ध्यान से समझना है। अब हम जरा इसको डिस्क्राइब करते हैं कि रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में क्या अंतर है। तो देखिए नेक्स्ट, एक तरफ आप लिखेंगे डिस्क फ्लोरेट और दूसरा रे फ्लोरेट में अंतर क्या है, जो हमने अभी डायग्राम बनाया है उसके बेसिस पे। तो आपको बता दें ये दोनों अलग अलग टाइप के फ्लावर होते हैं। जो डिस्क फ्लोरेट है, डिस्क फ्लोरेट की बात आपको बताया, तो ये कंप्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर का मतलब, कंप्लीट फ्लावर का मतलब ये बाइसेक्सुअल होता है। कंप्लीट फ्लावर का मतलब इसमें चारों पार्ट प्रेजेंट है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम और गाइनेशियम। मतलब कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है जब चारों पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक है ना। कैलिक्स इज परसिस्टेंट होता है, कैलिक्स परसिस्टेंट होता है, मॉडिफाइड हो जाता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको पैपस कहते हैं, कॉल्ड एज पैपस। पैपस इज द फीचर ऑफ कंपोजिटी फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैपस इज द फीचर ऑफ कंपोजिटी फैमिली, और ये फ्रूट के डिस्पर्सल में रोल प्ले करता है, और इस तरीके के मैकेनिज्म को पैराशूट मैकेनिज्म कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे। क्या कहते हैं? पैराशूट मैकेनिज्म, ठीक। कोरोला, इसका कोरोला ध्यान से समझिए, इसका जो कोरोला होता है क्या पढ़ा रहे हैं डिस्क, हाँ कोरोला ट्यूब्युलर होता है, ट्यूब्युलर, फाइव पेटल्स होते हैं इसमें, कोरोला में फाइव पेटल्स होते हैं, ठीक। एंड्रीशियम गाइनेशियम बाइकार्पिलरी होता है, सॉरी ट्राइकार्पिलरी होता है, कैसा होता है? ट्राइकार्पिलरी होता है, और यहाँ पे बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, आगे पढ़ाएंगे प्लेसेंटेशन वगैरह, लेकिन याद रखिए बेसल प्लेसेंटेशन मतलब एक ही ओव्यूल, वो भी बेस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया हमने? गाइनेशियम बाइकार्पिलरी होता है, बाइकार्पिलरी होता है, सॉरी बाइकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी मतलब दो कार्पेल होते हैं, ठीक। और अगली चीज, ये कंप्लीट फ्लावर है भाई, अगली चीज क्या है? कंप्लीट, कंप्लीट है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मतलब इसी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, और यहां पे सिमेट्री एक्टिनोमार्फिक होती है, कैसी? एक्टिनोमार्फिक होती है, और उसका सिंबल ऐसे लिखते हैं, आगे देखेंगे इसके बारे में समझेंगे। रे फ्लोरेट के बारे में समझिए, ये इनकम्प्लीट फ्लावर होता है, कैसा होता है? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब सब तो है लेकिन एक वर्ल एब्सेंट है, एंड्रीशियम यहाँ एब्सेंट होता है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है ये यूनिसेक्सुअल है, कैसा है? यूनिसेक्सुअल है, और इसमें जो कैलिक्स है, कैलिक्स पैपस में मॉडिफाई होता है, इसका जो कोरोला है वो लिग्यूलेट कोरोला होता है, कैसा? लिग्यूलेट, लिग्यूलेट का मतलब इसमें
थ्री पेटल्स होते हैं। देखिए ये सब डिफरेंस है, वहां फाइव पेटल्स, यहाँ थ्री पेटल्स, गाइनेशियम गाइनेशियम, यहाँ पे गाइनेशियम बाइकार्पलरी है, सेम है बाइकार्पलरी, दो कार्पल होते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन होता है, बेसल प्लेसेंटेशन होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे सिमेट्री जाइगोमार्फिक होती है, कैसी होती है, जाइगोमार्फिक, जाइगोमार्फिक को आप बस ऐसे लिख सकते हैं या परसेंटेज से, ठीक। अब देखिए इस फ्लावर को अगर हम बना दें, इस फ्लावर को, तो आपने देखा इसका जो कैलिक्स है ये पेपस में मॉडिफाई हो जाता है, किसमें, पेपस में, और इसका जो हमने अभी बनाया था कैसा होता है, लिग्यूलेट, अरे ये डिस्क फ्लोरेट, कितने, फाइव पेटल्स होते हैं इसमें, फाइव पेटल्स, ऐसे सबके सब फाइव पेटल्स ज्वाइंटेड होते हैं, और एक ट्यूब्यूलर कोरोला पाया जाता है इसमें, ट्यूब लाइन। यहाँ पे डिस्क फ्लोरेट जो है, डिस्क फ्लोरेट में भी इसी तरीके से, ये हो गया आपका पेपस, ठीक है ना, पेपस, लेकिन ये लिग्यूल, लिग्यूल, लिग्यूलेटेड, मतलब तीन पेटल ज्वाइन होके एक टंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये पेपस, पेपस क्या है, पेपस पढ़ाएंगे आगे, पेपस इज द मॉडिफाइड कैलिक्स, परसिस्टेंट कैलिक्स है, मतलब फ्लावर फ्रूट लगने के बाद भी ये बचा रह जाता है, और फ्रूट डिस्पर्सल में रोल प्ले करता है, फ्रूट डिस्पर्सल में रोल प्ले करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, और आगे आज हमारी क्लास है, लाइक लाइव क्लास है, बस पिछले अगले 20 मिनट में होने वाली है, तो हम इसको बंद कर रहे हैं। बाकी आगे अब हम लोग को साइमोज टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखना है, स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखना है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा ये सारी चीज़ें, एक बार हम इसको फिर से डिस्कशन कर देंगे, एक बार देख लीजिए, कुछ भी नहीं यहाँ पे, बस आपको देखना है ये कम्प्लीट है, मतलब इसमें चारों वर्ल है, ये इनकम्प्लीट है, इसमें एंड्रीशियम एबसेंट है, यहाँ पे ट्यूबुलर कोरोला होता है, यहाँ पे लिग्यूलेट कोरोला होता है, ये एक्टिनोमार्फिक है और ये जाइगोमार्फिक है, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया सबसे मोस्ट एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, सबसे एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, हेड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।